हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया का मैप। ठीक है, तो इंडिया का मैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे हम कोई भी क्लास में हैं। ठीक है, एसएसटी अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें इंडिया का मैप कंपल्शन तरीके से आना चाहिए, इसलिए आज हम इंडिया के मैप को करेंगे। हालांकि पहले भी मैंने इंडिया के मैप की सीरीज़ ऑलरेडी बना रखी है, जिसमें मैंने आपको मैप पूरा ट्रिक से बताया है, बट कुछ बच्चों ने ट्रिक्स नहीं देखी है, इसलिए आज मैं उनको बिना ट्रिक के यहाँ पर लर्न करवाऊँगी कि बिना ट्रिक के भी इंडिया का मैप करना बहुत ही ईजी है, अगर आप मेरी चीज़ को फॉलो करेंगे, इसी टेक्निक को फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या बात करेंगे बच्चों, तो पहले हम बात करेंगे सिर्फ स्टेट्स के बारे में, पहले हम सिर्फ स्टेट्स पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इंडिया एक ऐसी कंट्री जिसमें हम लोग रहते हैं, इतने ज़्यादा डाइवर्स कल्चर के लोग यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तभी आपने एक लाइन भी ज़रूर सुनी होगी बच्चों, वो क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये लाइन आपने पक्का सुनी होगी अगर आप एसएसटी पढ़ते हैं, हालांकि सब पढ़ते हैं, बट ये लाइन आपको पक्का याद होगी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतने अलग अलग धर्मों के लोग इतने अलग अलग तरीके से यहाँ पर रहते हैं, फिर भी क्या है, यूनिटी है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ आ गया अच्छे से। अब हम देखते हैं कि स्टेट्स कितनी हैं इंडिया में। तो इंडिया में टोटल स्टेट्स कितनी हैं बच्चों, तो इंडिया में टोटल स्टेट्स हैं 28। कितनी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं प्लस 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। 9 क्या है बच्चों, तो 9 है यूनियन टेरिटरीज़। तो आज हम क्या करेंगे, 9। ठीक है, ये डाटा सभी को ऐसे लग रहा होगा कि 9 मैम ने बताया है, बिल्कुल सही बताया है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले क्या था, पहले 9 यूनियन टेरिटरीज थी। तो चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं 2019 की। तो 2019 में क्या था, 2019 में 29 स्टेट्स थी हमारे पास एंड 7 यूनियन टेरिटरीज थी, बट टाइम चेंज, 2019 चला गया। अब क्या हो गया है, अब हमारे पास एग्जैक्ट डाटा क्या आ गया है बच्चों, तो अब हमारे पास जो डाटा आया है ना, वो क्या है, तो वो है टोटल 28 स्टेट्स। क्या है बच्चों, 28 स्टेट्स विद 8 यूनियन टेरिटरीज। ये जो डाटा अभी मैंने बताया है ये बिल्कुल करेक्ट है। कितनी स्टेट्स हो गई हैं, तो टोटल 28 स्टेट्स हो गई हैं एंड 8 क्या हो गई हैं, यूनियन टेरिटरीज। इन्हीं चीज़ को हम याद करेंगे आज बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आपको मैप की जो प्रॉब्लम है ये आज से एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो बिना टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें बस एक छोटी सी ट्रिक लगानी है यहाँ पर। कोई भी हम, जैसे पिछली वीडियो में तो हालांकि मैंने आपको ट्रिक के सहारे सारा बताया, बट आज मैं आपको बहुत इजी तरीके से बिना ट्रिक के थोड़ा सा बताऊंगी। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें जस्ट बॉर्डरिंग स्टेट्स पढ़नी है, यानी कि इंडिया के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं ना, मतलब हमें सिर्फ एक बार ये बाहर बाहर वाले इलाके क्या करने हैं, लर्न करने हैं, क्योंकि अंदर तो सिर्फ एक स्टेट बच जाएगी। कौन सी है बच्चों, वो है एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। तो हम क्या करेंगे, जस्ट बॉर्डरिंग स्टेट्स पढ़ेंगे। तो मेरे साथ आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, बिना किसी टाइम वेस्ट के पढ़ते जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। पहले आप मेरे साथ बोलिए, पहली स्टेट्स क्या है बच्चों, तो पहली जो स्टेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है वो है हमारे पास पंजाब। क्या है बच्चों, तो वो है पंजाब। पता चला पहली स्टेट क्या है हमारे पास, पहली है पंजाब। थोड़ा सा हम इसको यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट स्टेट जो हमारे पास आई है वो है पंजाब। उसके जस्ट नीचे क्या है, उसके जो जस्ट नीचे हमारे पास स्टेट है वो है हरियाणा। कौन सी स्टेट है बच्चों, तो वो है हरियाणा। तो आपको पता चल गया फर्स्ट क्या थी, पंजाब। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेट आ जाती है वो कौन सी है, तो नेक्स्ट स्टेट हमारे पास आ जाती है हरियाणा। देन बच्चों, देन हमारे पास आती है राजस्थान। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप बॉर्डरिंग वाली स्टेट्स करेंगे तो आपको बहुत जल्दी मैप लर्न होने वाला है। राजस्थान के बाद कौन सी स्टेट है, वो है गुजरात। गुजरात के बाद कौन सी स्टेट आ जाती है बच्चों, वो आ जाती है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कौन सी स्टेट आ जाती है, वो आ जाती है गोवा। गोवा के बाद कौन सी स्टेट है, तो गोवा के बाद जो स्टेट है वो है हमारे पास कर्नाटक।
कर्नाटका के बाद कौन सी स्टेट है? तो कर्नाटका के बाद हमारे पास स्टेट है केरला। केरला के बाद अब यहाँ वाली बॉर्डर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, चलते हैं नेक्स्ट बॉर्डर्स पे। यहाँ पर कौन सी स्टेट है बच्चों? ये है तमिलनाडु, TN से शो किया है मैंने तमिलनाडु को। देन कौन सी स्टेट है? वो है हमारे पास आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पे कौन सी स्टेट आ जाती है? नेक्स्ट पे आ जाती है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना भी बोल सकते हैं आप इसे, अपनी प्रोनंसिएशन के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हमारे पास स्टेट आती है कौन सी बच्चों? ओडिशा। उसके बाद कौन सी स्टेट आती है बच्चों? वो है हमारे पास छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सी स्टेट आती है? वो आती है हमारे पास वेस्ट बंगाल, WB। देन हमारे पास कौन सी स्टेट आती है? फिर आती है हमारे पास स्टेट झारखंड। कौन सी आती है? झारखंड स्टेट आती है। झारखंड के बाद कौन सी स्टेट आती है बच्चों? तो झारखंड के बाद आती है हमारे पास बिहार। बिहार के बाद कौन सी स्टेट आती है? तो बिहार के बाद हमारे पास आती है UP, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सी स्टेट आती है? तो वो हमारे पास आती है बच्चों उत्तराखंड। कौन सी स्टेट आती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद हमारे पास कौन सी स्टेट आती है? तो लास्ट में हमारे पास आ जाती है हिमाचल प्रदेश। तो ये तो होगी हमारी बॉर्डरिंग स्टेट्स। उसी तरीके से मैंने अभी आपको बताया था बीच में कौन सी स्टेट रह जाएगी, तो वो रह जाएगी MP, यानी कि मध्य प्रदेश। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों? ये हमारे पास रह गई है MP, मध्य प्रदेश। देन एक और स्टेट जो है हमारे पास रह गई है वो ये रही, ये है सिक्किम। कौन सी है? सिक्किम। तो ये टोटल स्टेट्स कितनी हो गई है बच्चों? तो ये टोटल स्टेट्स हो गई हैं 21 स्टेट्स तो हो गई हैं। अभी भी आप कहेंगे मैम आपने 28 स्टेट्स कहा था, बट बताया हमें जस्ट 21 ही हैं। तो जो 7 स्टेट्स मैंने छुड़वा दी है वो है 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स को हम कौन सी स्टेट्स बोलते हैं बच्चों? तो वो हम बोलते हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स। कौन सी स्टेट बोलते हैं? तो स्टेट को हम बोलते हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स। तो वो भी हम अभी करते हैं, वेट 2 मिनट आप इसे रिवाइज कीजिए, इतने में हम थोड़ा इरेजर वाला कर लेंगे। देखिए अब हम आ जाते हैं हमारे नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर के नेम से भी जानते हैं। तो लाइन वाइज ही करते जाना है। पहले क्या आ जाएगी बच्चों? हमारे पास आ जाएगी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन सी, सोचिए। देन आ जाएगी असम। असम के बाद कौन सी बच्चों? मेघालय। ठीक है, असम के बाद क्या आया बच्चों? मेघालय आया हमारे पास। असम के बाद क्या आया था बच्चों? हमारे पास आया था मेघालय। मेघालय के बाद देखिए ये वाली स्टेट्स हो गई हैं। अब चलते हैं हम 7 वाली स्टेट्स करने। तो अगर आप इसी तरीके से मैप करेंगे तो मैप आपको डेफिनेटली लर्न हो जाएगा, आपको किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ कौन सी स्टेट है बच्चों? तो ये वाली स्टेट हमारे पास आ जाती है नागालैंड। कौन सी है? नागालैंड। नागालैंड के बाद थोड़ा सोचना पड़ेगा, अगर मान लो कि आप ये भूल गए हैं कौन सी है तो आप नीचे से स्टार्ट कर दीजिए। कहाँ से? नीचे से। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास त्रिपुरा है या मिजोरम। जस्ट आपको सोचना है, अगर आप सोचेंगे नहीं तो आपको आएगा नहीं। ठीक है, जैसे हमने अभी सोचा था कि हमारे को हमें क्या है लर्न ही नहीं होने वाली स्टेट्स, बट हमें लर्न हुई, उसी तरह हमें जस्ट सोचना है, हाथों हाथ हमें लर्न हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, त्रिपुरा आ गया। त्रिपुरा के बाद ये को क्या है बच्चों? ये है मिजोरम। अब मिजोरम एंड नागालैंड के बीच में क्या बच जाता है? मिजोरम एंड नागालैंड के बीच में हमारे पास बच जाता है मणिपुर। तो ये है टोटल स्टूडेंट्स आपके पास 28 स्टेट्स। अब आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैम हमें स्टेट्स नहीं आती, जस्ट हम क्या रह गया है, हमारी यूनियन टेरिटरीज़ रह गई हैं। स्टेट्स आज की वीडियो में मैंने आपको कवर करवा ही दी हैं, यूनियन टेरिटरीज़ भी हम इसी तरह कवर कर लेंगे। पहले हम आज क्या करें हैं, स्टेट्स की है हमने,
एक दिन मैं आपको कैपिटल्स एंड यूनियन टेरिटरीज भी करवा दूंगी, इतने आप स्टेट्स को अच्छे से लर्न कीजिए। मतलब आपको इंडिया का मैप इतने अच्छे से लर्न करना है कि अगर मैं अभी आपको एक चीज़ बोलूँगी वो आपको इमेजिन करनी है। इमेजिन देखिए, एप्पल, एप्पल बोलते ही आपके माइंड में जस्ट एक पिक्चर आई एंड वो चली गई। तो इसी तरह आपको इंडिया का मैप लर्न करना है ताकि पिक्चर आए एंड वो आपको लर्न हो जाए कि इंडिया का मैप है। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है आपको, जस्ट बॉर्डरिंग कंट्रीज लर्न करनी, बॉर्डरिंग स्टेट्स लर्न करनी है, तो बीच में मिडल स्टेट हमारे पास जो होगी हमें अच्छे से लर्न हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।